हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्निकल। आज दी इस वीडियो दे विच असी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तुहाडे नाल शेयर करन जा रहे हां रिगार्डिंग टर्म फर्स्ट टर्म एग्जाम्स। ठीक है, जिहड़े एग्जाम होने ने फर्स्ट टर्म दे लई, उहनां दे लई कुछ टिप्स ने कि तुसीं किवें फर्स्ट टर्म दी जिहड़ी तैयारी कर सकदे हो, क्योंकि इस बार जिहड़ी फर्स्ट टर्म है वो MCQs होएगी, उहदे विच सारे ही MCQs क्वेश्चन होणगे। सो इस दे लई तुहानूं किहड़ी स्ट्रैटेजी दी लोड़ है, कुछ टिप्स तुहाडे नाल अज्ज असीं शेयर करन जा रहे हां। सो स्टार्ट करदे हां। फर्स्ट जो सारी टिप्स है, दैट इज़ प्रिपेयर अ टाइम टेबल। तुहानूं किसी भी चीज़ नूं तैयार करन दे लई एक टाइम टेबल दी लोड़ हुंदी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुसीं की करो, सब तो पहला एक टाइम टेबल तैयार करो। तुहानूं चंगे तरीके नाल पता होएगा कि तुहाडी स्ट्रैटेजी किस सबजैक्ट विच तुहानूं ज़्यादा समझण दी लोड़ है जां ज़्यादा टाइम देण दी लोड़ है। जिवें कुछ बच्चों नूं फिजिक्स मैथ्स दे विच ज़्यादा प्रॉब्लम होंदी है, तो मैथ्स और फिजिक्स में ज़्यादा टाइम देवो। इस करके तुसीं एक टाइम टेबल बना लो, तां जो तुहाडा कोई भी सब्जेक्ट ना रहे। जिवें जिवें गल करां तां कई बच्चे की करदे ने, जिवें पंजाबी सब्जेक्ट, जनरल पंजाबी, जनरल इंग्लिश, इन्हां सब्जेक्ट्स नूं छड्ड दिंदे ने, बट ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स ने। सो टाइम टेबल बनाउण दे नाल की होएगा, एक तां सारे ही सब्जेक्ट्स नूं तुहानूं टाइम देना पएगा, और जिस सब्जेक्ट नूं ज़्यादा टाइम देण दी लोड़ है वह भी टाइम टेबल दे विच तुसीं एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो सब तो पहला काम है कि एक टाइम टेबल बनाओ अपने अकॉर्डिंग। मैं वैसे टाइम टेबल तुहाडे नाल शेयर कर सकता सी, बट हर एक दे लई अलग अलग काम करन दा समय जिहड़ा अलग अलग है, इस करके तुसीं आप खुद टाइम टेबल बना सको तो बैटर है, बना सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। बट फिर भी जे तुहानूं कोई प्रॉब्लम है तो मैं नैक्सट वीडियो दे विच तुहानूं दस दूंगा कि तुसीं टाइम टेबल किवें ईजीली बना सकते हो। ठीक है, नैक्सट साडा पॉइंट है इंट्रोड्यूस विद योर सिलेबस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सिलेबस तुहानूं फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स के आना आ उहदे नाल रूबरू होवो। पहले तो देखो कि तुहाडा सिलेबस किहड़ा किहड़ा आ, उच्चों किहड़ी चीज़ तुहानूं आंदी है ते किहड़ी चीज़ तुसीं ज़्यादा समझनी है। ठीक है, इंट्रोड्यूस होवो तुसीं अपने सिलेबस के नाल जो कि फस्ट टर्म के एग्जाम्स के आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिवें हुण फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैथ्स मेन सबजैक्ट से मैं गल करा प्लस वन एंड प्लस टू की, इन्हां दे विच की हुंदा है फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैथ, इन्हां दे तुसीं सिलेबस देखो। ठीक है, तो उहदे विच कीड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस टॉपिक दे विच किन्ने क्वेश्चन आने ने, सारा ही स्ट्रक्चर समझो पेपर का। ठीक है, उहदे नाल की होएगा कि तुहाडे विच स्मार्टनैस आएगी, तुसीं किस चैप्टर नूं ज़्यादा टाइम देना आ उहदे नंबर दे अकॉर्डिंग तुहाडे विच स्मार्टनैस आएगी, तुसीं उस अकॉर्डिंग पढ़ाई जिहड़ी आ अच्छे तरीके नाल कर सकोगे। नैक्सट साडा स्टैप थर्ड है, डू स्मार्ट स्टडी विद माइंड मैप्स एंड स्मार्ट नोट्स। सो स्टडी स्मार्ट स्टडी करनी है, बिकॉज टाइम तुहानू पता ही है कि वन मंथ का टाइम थोड़े को रह गया आ। सो इस करके तुम स्मार्ट स्टडी करनी है, हूँ ट्राई करो कि माइंड मैप वैसे मैं फिजिक्स एंड कैमिस्ट्री के शेयर किए हुए ने अपने चैनल के उत्ते, मैं वीडियो अपलोड की थी इस रिगार्डिंग, तुम उतों भी फिजिक्स एंड कैमिस्ट्री के नोट्स लै सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मैं लिंक फिर दे देवगा एक बार। सो माइंड मैप दे नाल की हो जाएगा, फिजिक्स एंड कैमिस्ट्री का माइंड मैप दे नाल बहुत हेल्प हुंदी है। जो तुसी पूरा चैप्टर पढ़ लेंदे हो ना, जो तुसी माइंड मैप से आ जाओगे तो सब सारिया इंपॉर्टेंट चीज़ा लिखिया हुई माइंड मैप दे विच। सो माइंड मैप इज़ द बेस्ट फॉर स्मार्ट स्टडी। सो जिवें स्मार्ट नोट्स भी होंगे ने, स्टडी करो स्मार्टली करो माइंड मैप की हैल्प दे नाल, स्मार्ट नोट्स की हैल्प दे नाल, जिन्हां नाल तुहानू ईजीली समझ आ सके, और जिहड़ियां चीज़ां नूं तुसीं विजुअलाइज़ करके देखिया करो, मतलब कि जिवें कोई स्टोरी क्रिएट करके अपने माइंड दे विच। ठीक है, इवें चीज़ां जल्दी याद हुंदियां ने। सो फोर्थ है मैनेजमेंट योर टाइम। मैनेज करना टाइम नूं, टाइम दी जिहड़ी मैनेजमेंट है वो तुहाडे लई बहुत जरूरी है। ठीक है, वैसे इस स्टैप टाइम टेबल दे विच ही आ जांदा आ। ठीक है, कि टाइम नूं किवें मैनेज करना आ, बट इत्थे ये स्टैप लिखण दा अलग तो लिखण दा मतलब की है कि तुसी अपने हर एक टाइम नूं, जरूरी नहीं है कि एक स्टडी दा टाइम तुसी जिहड़ा प्रिपेयर टाइम टेबल प्रिपेयर करना है, डे पूरे दिन दा तुसी टाइम टेबल सैट कर लो। ठीक है, कि तुसी किस चीज़ नूं किन्ना टाइम देना, स्टडी नूं, ठीक है, होर जिन्ने भी काम हुंदे ने, स्कूल जाना एंड ऑल द थिंग्स, उहनूं एक टाइम मैनेजमेंट बोलांगे असीं। सो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, तुसी पूरा टाइम टेबल बना लो पूरे दिन दा, कल्ला स्टडी लई नहीं पूरे दिन दा टाइम टेबल बनाओ। नैक्सट इज गैट ए गुड नाइट स्लीप। रात नूं पूरी नींद लवो। कुछ बच्चे की करते हैं कि राती देर तक सोते हैं फिर सवेरे जल्दी उठ जाते हैं,
जिस करके उन्हां दी जिहड़ी नींद है ना वो पूरी नहीं हो पाती, तो फिर नैक्सट डे वो चंगे तरीके नहीं पढ़ सकती। ठीक है, जो तुसीं रात देर नाल सौंदे हो तो सवेरे जल्दी उठ जाते हो, उहदे नाल की तुहाडी नींद नहीं पूरी होंदी तो तुसीं अगले दिन उन्नी एनर्जी दे नाल नहीं पढ़ सकते। ठीक है, जो भी तुसीं पढ़ोगे सवेरे, कई बच्चे की करते हैं देर रात सौंदे हैं सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, उठते ही पढ़न लग जाते हैं। सो ये चंगी गल नहीं हैगी, नाले कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो तुसीं सवेरे उठते हो तो तुहाडा एकदम पढ़न ना बैठो, क्योंकि तुहाडा दिमाग जिहड़ा आ उह नहीं उठिया हुंदा उस टाइम, तुसीं खुद उठ गए हुंदे, बट तुहाडे दिमाग नूं उठण दे लई फ्रैश ऑक्सीजन की लोड़ हुंदी है। सो थोड़ी देर मैडिटेशन करो एंड दैन तुसीं अपने स्टडी ते फोकस कर सकते हो। सो ये भी एक बहुत ही वधिया पॉइंट है जिन्हों तुसीं चंगे तरीके दे नाल फॉलो करना है। नैक्सट इज सिक्स पॉइंट, टेक हैल्दी डाइट। एग्जाम दे दिन दे विच तां सानूं हैल्दी डाइट लैनी बहुत जरूरी है, बीमार बिल्कुल नहीं होना। कई बच्चे दी बच्चों की यह हुंदी है कि वह पेपर के लागे आके बीमार होने लग पैंदे ने, उन्हां दा कारण की है, एक तां बच्चे जड़े ने स्ट्रैस बहुत लैंदे ने। ठीक है, हुण इह टर्म वन दे जिहड़े एग्जाम्स ने, फाइनल एग्जाम ने, इन्हां दे नाल जिहड़ा रिजल्ट है वह प्रिपेयर हुंदा फाइनल। सो बच्चों नूं स्ट्रैस तो होएगी, बट स्ट्रैस लैन दे नाल तुहाडे नंबर तो ज़्यादा नहीं आ जाएंगे, तुसीं पास तो नहीं हो जाओगे, इस करके स्ट्रैस ना लो। ठीक है, स्ट्रैस नाल स्ट्रैस नूं दूर भजाउण दा तरीका की आ, मैडिटेशन करो। ठीक है, अपनी नींद पूरी लो। ठीक है, और स्ट्रैस बिल्कुल ना लो, हैल्दी डाइट लो, एक्सरसाइज करो। ठीक है, इहदे नाल स्ट्रैस तुहानूं नहीं होएगा, तो कंसनट्रेशन लैवल जिहड़ा है तुहाडा मैडिटेशन करन दे नाल वह वध जाएगा। नैक्सट इज सैवन पॉइंट है, अंडरस्टूड ऑल चैप्टर्स टू सॉल्व MCQs। MCQs तुहानूं पता है इस वारी पेपर MCQs है, सो MCQs नूं सॉल्व करन दे लई तुहानूं चैप्टर की समझ होनी बहुत जरूरी है। जे तुहानूं कंसैप्ट आंदा है ना तां ही तुसीं MCQs सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ तुसीं तुक्के ही लगा सकते हो। कई बार तो तुक्का चल जाता पर हर बार नहीं चलता। सो इस करके MCQs दे लई तुहानूं चैप्टर्स की समझ होनी जरूरी है, इस करके सारे ही चैप्टर्स नूं चंगे तरीके दे नाल समझो, अंडरस्टैंड करो चैप्टर्स नूं, और जिस भी तुहानूं लगता है कि इस विच तुहानूं डाउट है तो उस डाउट नूं क्लीयर करो अपने टीचर की हैल्प दे नाल, जां यूट्यूब दे उत्ते बहुत सारियां ट्रिक्स एंड टिप्स मौजूद हुंदियां ने, उन्हां दी हैल्प भी तुसीं लै सकते हो। नैक्सट इज राइट फॉर्मूलाज ऑफ ऑल चैप्टर्स एंड लर्न दैम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि MCQs दे विच कई बार हुंदा है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लैंदे, जिदा फिजिक्स दे विच एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हुंदे ने। ठीक है, मैथ्स दे विच तां हुंदे ही ने फॉर्मूले, फिजिक्स एंड कैमिस्ट्री दे विच भी हुंदे ने, और साइंस दे विच जिहड़ियां 6th to 10th तक दियां हैं उन्हां दे विच भी फॉर्मूलाज जरूर होणगे। सो इस करके तुसीं सारे ही जिन्ने भी हर सब्जेक्ट फिजिक्स है कैमिस्ट्री है तुसीं फॉर्मूलाज लिखो, एक पेज ते जां एक कॉपी ते लिख लो, तां जो तुहानूं लैसन दा नाम लिख के फॉर्मूलाज लिखो, तां जो तुसीं जदों पढ़ो तुहानूं समझ आ जाए कि इस लैसन दे विच किन्ने फॉर्मूले ने, ते नाले तुहानूं पता लग सके कि तुहानूं किन्ने फॉर्मूले आउंदे ने ते उन्हां दी जिहड़ी एप्लीकेशनस ने, किवें कोई कुछ स्टेटमेंट आ जाए तुसीं उस फॉर्मूले नूं अप्लाई करना आ, वह भी तुहानूं जरूर आंदा होवे। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नैक्सट इज नाइन्थ, क्लीयर यूअर डाउट्स। सारे ही अपने डाउट्स जड़े ने वो क्लीयर करो, क्योंकि MCQs बेस्ड एक ही हुंदा कि तुहानूं कंसैप्ट की क्लैरिटी है, तो ही MCQs सोल्व होणगे। ठीक है, सो डाउट्स की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, सो डाउट्स क्लीयर करो। पहले ही दस चुका हाँ डाउट्स क्लीयर करने तुहाडे कोल बहुत सारे ऑप्शन ने, हुण तां यूट्यूब दे उत्ते सारियां वीडियोज़ विद ट्रिक्स एंड टिप्स अवेलेबल हैगियां ने, तो तुसीं सर्च करके अपनियां जिहड़ियां कोई भी ट्रिक्स दे नाल टिप्स की हैल्प दे नाल समझ सकते हो। सो नैक्सट इज प्रैक्टिस ऑफ MCQs। तुहानूं पता ही कि प्रैक्टिस हर एक काम दे लई बहुत जरूरी हुंदी है, प्रैक्टिस करनी पएगी तुहानूं MCQs दी। सो MCQs दी प्रिपरेशन दे तुसीं की करना है कि प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस तुसीं करनी ही करनी है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस तो बिना तो कुछ नहीं हो सकता, जिन्नी प्रैक्टिस हुंदी है बहुत सारे MCQs अवेलेबल ने। जे मैं फिजिक्स एंड कैमिस्ट्री की गल कराँ तो डेली डोज के जड़े MCQs आते हैं, तो बहुत सारे MCQs अवेलेबल ने, बट फिर भी जो तुहानूं लगता है कि तुहाडी प्रैक्टिस दे लई MCQs तुहाडे कोल नहीं ने, तो तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच सानूं लिख सकते हो, आई विल डेफिनेटली हैल्प यू ऑल। जिन्हों भी कोई प्रॉब्लम है तुसीं कमेंट बॉक्स विच लिखो, जिहड़ा भी मटीरियल तुहानूं चाहिए रिगार्डिंग MCQs जां टर्म वन एग्जामीनेशन, आई विल
ट्राई टू प्रोवाइड यू, पूरी कोशिश होएगी कि तुहानू मटीरियल प्रोवाइड किया जाए. बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एग्जामीनेशन. एंड जेकर तुसी साडे चैनल दे उत्ते नवे हो तो चैनल सबसक्राइब कर लो. साडे चैनल दे उत्ते इदां दीआं मोटिवेशनल एंड टिप्स एंड ट्रिक्स होर भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड हुंदियां रहिंदियां ने, तां जो तुहानू साडी सारी वीडियो दा नोटिफिकेशन मिल सके. इस चैनल नू वध तों वध शेयर करो अपने दोस्तां दे नाल. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.